पसंद आए दोबारा पेश कर दूं, कर दूं, सबकी राजी है। सामईन हजरात, आप ये प्रोग्राम आसिफ साइबर बर्ड घुनसा बरेली शरीफ की जानिब से सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में जनाब कलीम दानिश साहब कानपुरी ने आपके सामने बहुत ही अच्छे अशआर पेश किए और आपको अभी तो एक हिंदुस्तान का शहंशाह तरन्नुम जनाब जैनुल आप बोलेंगे आप आगे जैनुल आबिदीन को सुनना है। वो तशरीफ रखते हैं, उनको भी समाप्त करना है और आप देख रहे हैं बिम्बर नूर पर शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा व मौलाना कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला रामपुरी तशरीफ रखते हैं। इनकी तकरीर आपको समाप्त करनी है, एक बेहतरीन लहजा होता है। अब मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मचल के सारा मजमे को एक बार और कह दीजिए, पीछे वाले भी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। भाई पीछे वाले उठा दीजिए, मिस कॉल से काम नहीं चलेगा, पूरी कॉल कीजिए। अब तो जियो चल रहा है, फ्री है, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है दीवारों दर सजाओ सरकार आ रही है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। अगला शेर रजा कमेटी के हवाले है कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और मेरे प्यारे आज जो हिंदुस्तान को अपना कहते हैं, दावा कर रहे हैं, राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। सब अगर अच्छे लगे शेर तो बोलना, राहत इंदौरी के शेर हैं। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब फरहान दिल मालेगांव मुंबई वाले ने इन अशारों को सुना तो वो कहता है जमाने में कागज कलम, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयसर हो वो कागज कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। और खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। अरे कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। अब इन दोनों के अशआर मंसूर उस्मानी ने, हाशिम कुद्दूसी ने सुने तो वो भी पुकार कर कहते हैं कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। आइए देख रहे हैं आप मिंबर नूर पर हमारे सैयद आबिद अली साहब तशरीफ रखते हैं, आप इनका भी दीदार कीजिए। और मैं शेर पेश कर रहा था तो हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। अरे मियां नाते नबी कहना कोई आसान, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। और नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, ये पहली बार होता है, लेकिन लेकिन बाद जगह ऐसा हो कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन हमारे औले में ऐसा नहीं है, मैं औले का ही हूँ, लेकिन माशाल्लाह औले वाले बहुत नवाजते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला जिन जिन हजरात ने मुझे नोट दिया है उन्हें करोड़पति बना दे, और जिसने नहीं दिया है ये सुन्नत है, ये देना सुन्नत है। गौर के न देखे ये नेक काम है, इसमें नेकियां मिलती हैं, आप सब करना जानते हैं। एक मरतब मचल के बोलिए आला हजरत के नाम पर सुभान अल्लाह, एक बार हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक साहब को मैं देख रहा हूँ उनके हाथ नहीं उठे, उठा लीजिए, ये हाथ मैदान महशर में गवाही देगा, मौला इसने तेरे हबीब के नाम पर मुझे उठाया था, इसकी मगफिरत फरमा दे। हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत को इल्म का आसमान कहा जाता है, मुफ्ती आजम को इल्म की चट्टान कहा जाता है, और गला
गला गला घोट दे जो सुनहे कुल्लियत का, उसी को अख्तर रजा खान कहा जाता है। नारे तकदीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। गला घोट दे जो सुलहे कुल्लियत का, उसी को अख्तर रजा खान कहा जाता है। और मेरा दिल और मेरी जान है ताजो शरिया, मेरी बख्शिश का भी सामान है ताजो शरिया। अरे मुनकिरो।